प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला पहुंच चुका है अब द्रौपदी मुर्मू जी के निवास स्थान पर, देश की अगली राष्ट्रपति के निवास स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए। प्रधानमंत्री बधाई देने के लिए पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू को, जैसे ही उन्होंने जीत का आंकड़ा छुआ है और इंतजार हो रहा था इस पल का कि कब वो यहां पहुंचते हैं। जेपी नड्डा के पहुंचने का मतलब ये था कि अब प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहां पर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को अब वहां पहुंचते हुए, अब वो अंदर जाकर द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक क्षण जरूर है और इसे किसी पार्टी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, पूरे देश के लिए एक बाकी ऐतिहासिक क्षण है कि इतने पिछड़े तबके की एक महिला जो है उन्होंने इतना बड़ा राजनीतिक सफर तय किया और आज वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। जेपी नड्डा जी स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री अंदर प्रवेश कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के इस निवास स्थान में। आप सोचिए कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनके पास दिल्ली में अपना घर तक नहीं था, या ये आवास जो है इन चुनाव को देखते हुए उनको उपलब्ध कराया गया था और प्रधानमंत्री सामने जो कलाकार हैं उनकी ओर वेव कर रहे हैं और अब अंदर वो जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि द्रौपदी मुर्मू जैसी शख्सियत देश की अगली राष्ट्रपति बने, ये सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बिल्कुल सौरभ, और वो चॉइस ऑफ पर्सन फॉर द हाईएस्ट पोस्ट, वो दूरदर्शिता प्रधानमंत्री की, आप ये तस्वीरें अंदर की देख रहे हैं, फूल भेंट करते हुए द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी द्रौपदी मुर्मू को। ये वाकई जो है ये तस्वीरें भी एक किस्म की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का आप फिर देखिए, बड़ी साधारण हमेशा वो आपको नजर आती हैं, उनका जो जीवन है बड़ा ही सरल, बड़ा ही सौम्य है। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं देश की अगली राष्ट्रपति से। घर कोई ऐसा कोई विशाल घर नहीं है उनका, अस्थाई मकान है। प्रधानमंत्री चलकर आए उन्हें बधाई देने के लिए, वो अगली महामहिम है, अगली राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री सम्मान सहित उनको बधाई दे रहे हैं इस वक्त। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त लाइव तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के घर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू को पहुंचे हैं। और खुद प्रधानमंत्री ने भी इस चुनाव में और दलों से और राज्यों से अपील करने में, द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले नवीन पटनायक से बात की थी प्रधानमंत्री ने, अगर देखा जाए ओडिशा से आती हैं और उन्हीं से सबसे पहले बात किया था। और अब ये तस्वीरें अंदर से जो दरअसल बाकी जो मीडिया है उसको बाहर निकाला जा रहा है ताकि उनके बीच बातचीत हो पाए। और इसके बाद अब देखना होगा राष्ट्रपति जो अब राष्ट्रपति इलेक्ट जो है, अगली राष्ट्रपति जो होंगी द्रौपदी मुर्मू, वो कुछ क्या कहती हैं मीडिया से बाहर। मंच तो एक जरूर बना हुआ है, उसके सामने कुर्सियां भी लगी हुई हैं, तो क्या वो कुछ कहती हैं देखना होगा। क्या प्रधानमंत्री भी इस मौके पर कुछ बोलेंगे। लेकिन आप देखिए, बधाई देने प्रधानमंत्री अभी अभी बस बमुश्किल 2 मिनट पहले यहां पर आए हैं और उनके और जेपी नड्डा जी के साथ द्रौपदी मुर्मू जी की बातचीत इस वक्त चल रही है। और खुद द्रौपदी मुर्मू वो अलग अलग राज्यों में गई, अलग अलग प्रदेशों में गई, वहां पर सभी विधायकों से जाकर उन्होंने समर्थन मांगा, सभी पार्टियों से उन्होंने समर्थन मांगा, ज्यादातर ने दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनके बीच भी बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो आप उनका जो विक्ट्री मार्जिन देख रहे हैं, जो 3,16,000 कुछ मतों का है, ये अभी काफी बढ़ेगा, ये वोट जो हैं अभी काफी पड़ेंगे, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा वोट हैं जो कुल पड़े हैं और अभी काफी वोट गिना जाना बाकी है। तो प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को और ये जीत वाकई एक देश के राम रूप में हम कहें तो हमारी एक रूपता की जीत है, देश की समाज की जीत है कि द्रौपदी मुर्मू जी जिस पृष्ठभूमि से आती हैं आज वो अगली महामहिम होंगी, अगली राष्ट्रपति होंगी। और इसका बहुत क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उनका चयन किया गया उम्मीदवार के तौर पर। देवेंद्र हमारे साथ हैं। देवेंद्र, अगर हम ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू के साथ नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी तस्वीरों में है, इनको राष्ट्रपति बनाने तक में कितनी दूरदर्शिता प्रधानमंत्री की, कितनी मेहनत उनकी और कितनी दूरगामी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अगर आप देखें पंकज, तो पिछली बार जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के दावेदार बनाया गया था उस समय भी द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा चली थी और पर मंथन हुआ था कि ये लगा कि शायद थोड़ा और समय उनके लिए चाहिए। इस बार जब तय किया जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में कोई कन्फ्यूजन नहीं था। हालांकि बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में 20 नामों पर विचार हुआ लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयन में सबसे एक ही नाम था द्रौपदी मुर्मू का। और जो आप नवीन पटनायक से बातचीत करने की बात कह रहे थे पंकज, उसमें आपको दिलचस्प ये लगेगा कि जिस दिन बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से ही नवीन पटनायक को फोन किया था और नवीन पटनायक तब इटली के दौरे पर थे, एक सरकारी कार्यक्रम के अपने सरकारी कार्यक्रम के साथ इटली के वो विजिट पे थे और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन करके तकरीबन 25 मिनट की बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई थी। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री के स्तर पर किस प्रकार का कमिटमेंट होगा द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेके कि वो खुद नवीन पटनायक से बात किए और 25 मिनट तक बातचीत किए। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या देश के राष्ट्रपति राजनाथ सिंह, इन दोनों नेताओं को इस काम पर लगाया था कि सभी दलों के नेताओं से बातचीत करें और उन्हें ये समझाएं कि ऐसा पहली बार हो रहा है और आजादी के 75वें साल में ऐसा हो रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर उस कम्युनिटी का व्यक्ति जा सकता है जो कि हमेशा से हाशिए पर रहा है और ये एक बहुत ही सशक्त कदम होगा कम्युनिटी को मजबूत करने के लिहाज से। और राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने सभी दलों के नेताओं को फोन किया था। हालांकि अपोजिशन के कई सारे दल कांग्रेस सहित कांग्रेस हो एनसीपी हो टीएमसी हो इन दलों ने इनकार कर दिया था। उसके बावजूद आखिरी समय तक इनकी ये कोशिश चलते रही थी कि किसी तरह से सर्वसम्मति का मैसेज दिया जाए। और आप अंदाजा लगाइए कि 10.5 करोड़ की आबादी जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है जिसमें 700 से ज्यादा जातियां हैं उस कम्युनिटी के अंतर्गत, उनके अंदर किस प्रकार से गर्व और खुशी की भावना होती अगर यह फैसला सर्वसम्मति से हुआ रहता। हालांकि अपोजिशन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और डेमोक्रेसी में इलेक्शन की खूबसूरत चीज होती है उसका सहारा लिया गया और आज जब नतीजे बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उत्तर प्रदेश के सांसदों और देश के विधायक जो कि चुनाव के वोटर थे उन्होंने अपना मुहर लगा दिया है, तो ये कितनी गर्व की बात है बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, देश के लिए। और जैसा कि पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक टोकन या सिम्बॉलिज के साथ से द्रौपदी मुर्मू का सिलेक्शन किया गया है बल्कि उनका जो प्रोफाइल है, उनका जो कैरेक्टर है, जो व्यक्तित्व है, एक राष्ट्रपति के तौर पे किस प्रकार से इससे निखर कर आएगा, वो उनका जो एक्सपीरियंस रहा था, जो बैकग्राउंड रहा था, इन सारी देवेंद्र प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि पीछे जो कलाकार है उनका जोश और बढ़ गया है, बहुत और जोर से ढोल बजना शुरू हो गया। लौटेंगे आपके पास इस मुलाकात की तस्वीरें, लेकिन आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री पिछले 7-8 मिनट से द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर हैं, जेपी नड्डा उनके साथ हैं। और जो बातें भी आपको बताई देवेंद्र ने कि जब बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस बात पर मुहर लगा दी कि वो अगली उम्मीदवार होंगी राष्ट्रपति का इंडिया की तरफ से, उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद स्वयं जो है अभी तो फिलहाल आपको बता दें ट्वीट उनका आया, वो घर पहुंचे उससे पहले उनका ट्वीट आ चुका है, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज MPs एंड MLAs who have voted for द्रौपदी मुर्मू। और वो लिख रहे हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग MLA एंड मिनिस्टर, वो एक बहुत ही अच्छी और काबिल विधायक और मंत्री रही हैं और झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनका जो कार्यकाल था वो अद्भुत था, एक्सेलेंट था। और वो आगे कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि वो एक बेहद प्रभावी आउटस्टैंडिंग राष्ट्रपति भी साबित होंगी और भारत की इस ग्रोथ की जर्नी को, भारत की इस प्रगति की यात्रा को वो और आगे से और बढ़ाएंगी और आगे से लीड करेंगी, नेतृत्व करेंगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि उनका जो जीवन का जो सफर रहा है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। और साथ साथ आप ये भी देखते रहिए वोटों की क्रॉस वोटिंग का भी आप आलम देखिए, क्या रहा गुजरात में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में कितने विधायकों ने क्रॉस वोट किया द्रौपदी मुर्मू के लिए, गोवा में 4, हिमाचल प्रदेश में 2, हरियाणा में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, मतलब जहां विपक्षी पार्टियां जहां जहां भी थीं, जो विरोध में भी थीं, खासकर कांग्रेस पार्टी, उनके भी कितने विधायकों ने, असम में देखिए 22 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है द्रौपदी मुर्मू के लिए, MP में 19, कांग्रेस पार्टी है ऑपोजिशन में,
गुजरात में भी 10 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, मेघालय में 7, छत्तीसगढ़ में 6 कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया द्रौपदी मुर्मू के लिए। तो ये जो है एक गणित है आपके सामने और इस वजह से भी द्रौपदी मुर्मू का जो ये विक्ट्री मार्जिन है वो और ज्यादा होगा, यानी जो अनुमान लगाया होगा बीजेपी ने अपनी जीत का उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल रहे हैं। अब इसका एक राजनीतिक असर भी आपको समझना चाहिए द्रौपदी मुर्मू के अगले राष्ट्रपति बनने का। गुजरात में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं इस साल, 182 सीटें हैं वहां पर, जिनमें से 27 आदिवासी सीटें हैं, आदिवासी सीटों की संख्या 27 है वहां पर। और 2017 के नतीजों में इनमें कांग्रेस बाजी मार गई थी, 15 कांग्रेस जीती थी, 9 बीजेपी जीती थी। अब जब देश की अगली राष्ट्रपति को बीजेपी एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाती तो इसका वहां पर जाएगा असर, 15% आदिवासी वोटर है तो इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। गुजरात में जब चुनाव होंगे तो यह 15% आदिवासी वोटर जरूर देख रहा होगा द्रौपदी मुर्मू की ओर कि आज उनके बीच में से उठकर एक महिला जो है वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है, उस कुर्सी पर पहुंची है जो भारत की सेनाओं की सुप्रीम लीडर है। और विधानसभा चुनाव में आने वाले कई विधानसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा जो है वो एनडीए को बीजेपी को मिल सकता है और लोकसभा में भी चुनावी समीकरण जो है वो बदल सकता है। दो इसके पहलू हैं, महिला वोटरों में आप कह सकते हैं कि इस फैसले से एक रुझान बनेगा बीजेपी की तरफ, ऐसा माना जा सकता है। और इसके अलावा जो 8 से 10 करोड़ के बीच जो आबादी जनजातीय समुदाय की देश में, उनके बीच भी एक रुझान पैदा होगा। गुजरात में, राजस्थान में आप देखिए 13.5% आदिवासी वोटर है, महाराष्ट्र में 9.5% के करीब जो है, नवंबर 24 में वहां पर चुनाव होना है, एमपी में 21% से ज्यादा आदिवासी वोट है और छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा, इसके अलावा झारखंड में 26.2%, 2024 में चुनाव है, ओडिशा में 22.8%, यहां भी मई 2024 में चुनाव होना है, 33 आदिवासी बहुल सीटें यहां पर हैं। तो ये जो वो तमाम राज्य हैं जहां पर कुछ में जैसे गुजरात इस साल चुनाव होगा, राजस्थान में आने वाले वर्ष, महाराष्ट्र में होना है नवंबर 2024 में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में भी जल्द चुनाव होगा, तो इस सब का असर जरूर जो है वो पड़ेगा वोटर के मानस पर। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसका सामाजिक और राजनीतिक पहलू जो है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं इसका जो एक राजनीतिक पहलू, एक राजनीतिक गणित, वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है और इसका असर जरूर पड़ता है वोटर के मन पर। खास तौर पर आप देखें, अगर जैसे हम बार बार कह रहे हैं आदिवासी वोटर कई राज्यों में कई सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, कई रिजर्व सीटें होती हैं राज्यों के अंदर जनजातीय समुदाय के लिए, और वहां पर जरूर इसका एक प्रभाव लोगों के बीच में जाएगा। और जैसा जीवन चरित्र रहा है द्रौपदी मुर्मू का वो अपने आप में एक आदर्श है और वो अब लोगों तक और पहुंचेगा कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। अब फिलहाल राहुल गांधी का ट्वीट भी आ गया, राहुल गांधी भी बधाई दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कम शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने अपनी बधाई में, अपने बाकी और लोगों को बहुत खुलकर बधाई देते हुए देखा, बहरहाल बधाई दी है उन्होंने। वो लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अगली राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। ये राहुल गांधी ने अभी अभी ट्वीट किया है। ये खैर ये नतीजा होना ये राहुल गांधी भी जानते ही थे, उनकी पार्टी ने हालांकि साथ नहीं दिया द्रौपदी मुर्मू का। और ये देखिए अब जश्न जो है वो और मन रहा है, सेलिब्रेशन की तस्वीरें द्रौपदी मुर्मू के घर से, कई लोग कलाकार आपको सब सामने दिखाई दे रहे हैं, बीच में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर ले रखी है और अभी भी ये नृत्य का सिलसिला ढोल बज रहे हैं, वो सिलसिला अनवरत जो है लगातार जारी है। प्रधानमंत्री की मुलाकात अंदर इस वक्त चल रही है प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू के साथ। और द्रौपदी मुर्मू की जीत से बीजेपी के 2024 के मिशन में क्या फायदा पहुंच सकता है इसको भी समझिए। आदिवासियों में बीजेपी की पैंठ इससे बढ़ेगी और विधानसभा चुनाव में तो सीधा फायदा इसका अभी हमने आपको दिखाया कितने ही राज्यों में मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन लोकसभा में भी चुनावी समीकरण जरूर बदलेगा। देश की वो करोड़ों की आबादी जो है उसका रुझान जा सकता है बीजेपी की ओर और महिला वोटरों में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक सोच जो है वो और मजबूत हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी इससे मजबूत हो सकती है, बहुत ट्राइबल्स हैं वहां पर। दक्षिण के राज्यों में मिशन 2024 पर बीजेपी की निगाह है कि वहां से 100
सीटें जो है बीजेपी जीतना चाहती है इस बार, तो वहां पर भी इसका प्रभाव जो है वो सीधा सीधा जाएगा। ये बीजेपी ने इस बार संकल्प लिया है, अपने लिए लक्ष्य टारगेट रखा हुआ है। और जब द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए तो विरोधियों में जैसे फूट पड़ी वो सबके सामने है, और यूपीए के कई वोट भी एनडीए को मिल गए, तो ये भी दर्शाता है कि चयन जो था कितना सशक्त था और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जो है वो कितनी पैनी और मजबूत है, और पैन इंडिया पार्टी बनाने में इस एक फैसले से बहुत मदद मिलेगी बीजेपी को, ये कहा जा सकता है। जैसे हम विरोधियों में फूट की बात आपको बता रहे हैं, तो हेमंत सोरेन को स्वागत करना पड़ा द्रौपदी मुर्मू जी के इस उम्मीदवारी का, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी के साथ वहां सरकार बनाए हुए हैं। ऐसे ही आपने देखा शिवसेना के उद्धव ठाकरे का जो धड़ा है उनको भी अपने सांसदों के दबाव में एनडीए का साथ देना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है भारत के माननीय राष्ट्रपति पद हेतु एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, विराट और ऐतिहासिक विजय की हार्दिक बधाई। आपकी विजय नए भारत के सर्वसमावेशी व सर्वस्पर्शी रूप के स्वरूप के प्रति अपार जनविश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवंत तस्वीर है। भारत माता की जय। योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी द्रौपदी मुर्मू जी को और कहा कि ये भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव की जीवंत तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बधाई दी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ये जो है सिलसिला अभी बधाइयों का आगे और चलता रहेगा। अब थोड़ा सा जीवन परिचय भी आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू और 1958 का उनका जन्म है, 20 जून 1958 का 64 वर्ष आयु है द्रौपदी मुर्मू जी की, देश की अगली राष्ट्रपति। जन्म स्थान उड़ीसा का मयूरभंज में उनका जन्म हुआ। अनुसूचित जनजाति से आती हैं, ट्राइबल वर्ग से आती हैं, हिंदू हैं धर्म से, और संथाल आदिवासी समुदाय से विशेष तौर पर वो आती हैं। और शिक्षा उनकी भुवनेश्वर में हुई, रामादेवी महिला कॉलेज में। इसके बाद पहली नौकरी जूनियर असिस्टेंट बिजली विभाग में उनको नौकरी मिली, और 1979 से लेकर 1973 तक 14 वर्ष नौकरी की, और उसके बाद 94 से 97 तक बच्चों को मुफ्त में उन्होंने शिक्षा दी, पढ़ाने का काम किया 3 साल तक उन्होंने। और 1997 में राजनीति में कदम रखा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। 25 वर्ष का उनका ये सफर है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो देखिए कितना रिवॉर्डिंग सफर उनका ये रहा है। इसमें पार्षद से उन्होंने शुरुआत की थी, ओडिशा से पार्षद चुनी गई थी, उसके बाद फिर विधायक बनी, विधायक बनने के बाद केंद्र की राजनीति में आई। और उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन जो था वो जब रहा तब सरकार में मंत्री रही द्रौपदी मुर्मू 2000 से 2004 के बीच वाणिज्य और ट्रांसपोर्ट मंत्री की भूमिका में उन्होंने अपना योगदान दिया, तो प्रशासनिक अनुभव भी वो रखती हैं। और इसके साथ 2002 से 2004 में मत्स्य और पशुपालन विभाग राज्य मंत्री रही। 2015 में झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी वो बनाई गई थी। और आपको बता दें तस्वीर जो आपके सामने है इंडिया टीवी की स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनकी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात पिछले 25 मिनट से लगातार जारी है। और अब हमें इंतजार इस बात का है कि क्या वो मीडिया से बात करते हैं, क्या कोई छोटा सा भाषण जो है संबोधन हम उम्मीद करें द्रौपदी मुर्मू देती हैं, या मीडिया से प्रधानमंत्री कोई बात करते हैं, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं द्रौपदी मुर्मू और अभी उनके औपचारिक तौर पर ऐलान जो है वो अभी किया जाना बाकी है। और थोड़ी देर में जो बाकी बचे हुए राज्य हैं जिनकी वोटों की गिनती चल रही है वो भी जब सामने आ जाएगी तो फिर आपके सामने पूरी तस्वीर होगी। वो आखिरी राउंड की जो काउंटिंग है केवल वही इस वक्त बाकी है। लेकिन आपने देखा तमाम नेताओं ने, बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं ने तो बधाई दी ही, इसके अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी बधाई दी। शरद पवार जी ने बधाई दी, यशवंत सिन्हा ने हार स्वीकार की और बधाई दी, इसके अलावा आपने राहुल गांधी का ट्वीट भी अभी देखा। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, मंच तो हमने देखा था, बना हुआ था द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर के साथ, क्या वहां आपको ऐसी सूचनाएं या जानकारी कोई है कि द्रौपदी मुर्मू जी कुछ क्या बात कर सकती हैं वहां से? बिल्कुल नहीं, पहले प्रधानमंत्री की बात कर लें। सौरभ, जो अंदाजा लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री का यहाँ पे बोलने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है, प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ पर शुभकामना देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, और बधाई देने के बाद वो वापस वहाँ से निकल कर चले जाएंगे, ऐसी कोई तैयारी भी नहीं की गई है। दूसरी चीज कि जो मंच आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए जो बनाया गया है अभिनंदन समारोह का जो एक मंच, वो मंच भी इसलिए बनाया गया है
ताकि जब वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर जीत के सर्टिफिकेट देने के लिए उनके पास आए तो फिर वहां पर बैठकर जो एक औपचारिकता है उस औपचारिकता को वो पूरा करें। किसी प्रकार के स्पीच को लेकर ऐसी ना कोई प्लानिंग है, ना कोई तैयारी और ना ही अभी कोई ऐसा संदेश है। सौरभ जी, अच्छा आप यहां से जरा आगे का भी बताइएगा। आज रिटर्निंग अफसर जो है उनको उनकी जीत का सर्टिफिकेट को दे देंगे, लेकिन यहां से लेकर के महामहिम की कुर्सी तक उनके विराजमान होने का सिलसिला, ये कैसे कब तक होगा? देखिए, अगला बड़ा कार्यक्रम जो होगा वो 25 तारीख को होगा, जब द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। और वो कार्यक्रम भी बहुत बड़ा, बहुत भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें देश भर में जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें तो खासतौर पर बुलाया गया है, इन्विटेशन तो सबको जाएगा, लेकिन बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री तो आ ही रहे हैं उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को भी सबको इन्वाइट किया जाएगा, सारे केंद्रीय मंत्री भी होंगे, देश के तमाम बड़े नौकर साहब होंगे, और वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जब द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। उसके पहले इस बीच में कोई और ऐसा कार्यक्रम नहीं होना है, उसके पहले जो कुछ भी हो रहा है वो रामनाथ कोविंद के फेयरवेल को लेकर ही हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रामनाथ कोविंद जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनके फेयरवेल के तौर पर एक डिनर दे रहे हैं, उसमें भी बीजेपी शासित राज्यों के बहुत सारे मुख्यमंत्री रहेंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री रहेंगे। ये प्रक्रिया 24 तक चलेगी और उसके बाद 24 को रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला के तौर पर देश के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी, गद्दी पर बैठेंगी। और जैसे कि हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं कि सिर्फ ये एक चुनाव नहीं था, सिर्फ एक ट्राइबल महिला का ये सिलेक्शन नहीं था, बल्कि ये उस सोच का हिस्सा है और उस सोच का एक अगला बड़ा कदम है, जिसे माइलस्टोन भी आप कह सकते हैं, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी जो कि देश के सबसे पिछड़ी कम्युनिटी जिस है उसे सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से 2014 से जिस प्रकार की कोशिशें वो कर रहे हैं, और पहले भी हमने गिनाया कि चाहे आप एकलव्य मॉडल स्कूल की बात कर लें, रिसर्च सेंटर की बात कर लें, म्यूजियम की बात कर लें, जनजातीय वनस्थल की बात कर लें, ट्राइबल के जो प्रोडक्ट हैं उसके उपज का वितरण कैसे होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्ल्ड वाइड होना चाहिए ताकि वो आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा सशक्त और मजबूत हो, उसके लिए ट्राइफेड से क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार करते रही है। और उसी का एक और बड़ा कदम है जब उस कम्युनिटी के एक योग्य महिला को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया और उनकी जीत हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए बहुत सारे लोगों ने आज बहुत बातें की, खासकर विपक्ष के नेताओं ने कहा ये एक बड़ा सिंबॉलिज्म है, केवल प्रतीकों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में भी उनका धर्म उनकी जाति प्रथा जो है वो दिख रही है बीजेपी। अच्छा मैं आपके पास आता हूं देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ साथ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी उनको बाहर तक छोड़ने आ रही हैं, देश की अगली राष्ट्रपति होने जा रही हैं, और प्रधानमंत्री को आपने देखा बाहर वो उनको छोड़ने आई, साथ में जेपी नड्डा भी हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर दी जा रही है मीडिया कर्मियों को। हाथ जोड़कर अभिवादन किया द्रौपदी मुर्मू ने सभी वहाँ पर मौजूद लोगों का, मीडिया कर्मियों का, कलाकारों का जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और तमाम लोग जो उनको बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। साथ में एक तस्वीर जिसमें देश की होने वाली अगली राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। और प्रधानमंत्री ने आग्रह किया द्रौपदी मुर्मू अब अपने आवास के अंदर जा रही हैं, और जैसा देवेंद्र बता रहे थे बिल्कुल ठीक, बगैर कोई बात किए मीडिया से प्रधानमंत्री भी अब वापस रवाना हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करने के बाद, लगभग आधा घंटा ये मुलाकात उनकी चली, आधा घंटा 35 मिनट, उन्होंने अपनी तरफ से बधाई दी, उनके घर आकर स्वयं उनको बधाई दी, और प्रधानमंत्री इसके बाद अब यहां से वापस लौट रहे हैं। और इसके बाद जैसा देवेंद्र बता रहे थे एक औपचारिकता, गिनती पूरी होने के बाद मतों की, रिटर्निंग अफसर यहां पर आकर द्रौपदी मुर्मू जी को उनकी जीत का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। 25 तारीख को उनको विधिवत शपथ दिलाई जाएगी, जिसके लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन अब यहां से जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जैसा देवेंद्र आपको बता रहे थे, प्रधानमंत्री के मन में कोई संशय इस बार नहीं था कि राष्ट्रपति कोविंद के जाने के बाद अगली राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू ही होंगी, और उनकी जीत को लेकर कोई आशंका भी नहीं थी उनके मन में, वो ये निश्चिंत थे कि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतेंगी। और उनके आपने देखा जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो वो नॉमिनेशन के जो कागज थे बाद में वो प्रधानमंत्री ने सौंपे, तो ये भी एक वो भी एक तस्वीर आपने देखी। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं देश की राष्ट्रपति बने, ये प्रधानमंत्री की सोच थी, ये उनका आग्रह भी था, और ये देश में एक बड़े वर्ग को एक संदेश भी था। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।